नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि CFM यानी कूलर फैन मोटर वाइंडिंग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो है हमारा, ये अभी जो 2 HP के मोटर को खोलने का तरीका दिया है ये उसी का पार्ट 2 है। और ये बॉडी करंट था, तो इसी बॉडी करंट को इस वीडियो में और इस पार्ट में हम इसको बॉडी करंट इसका दूर करेंगे, ठीक करेंगे। और ये मोटर ज़्यादा गर्म भी हो रही थी, तो इसी पर वीडियो है हमारा। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये 2 HP रिपेयरिंग का, मोटर रिपेयरिंग का ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम खोल करके दिखा दिए थे आपको, तो ये देख सकते हैं इसमें कॉइल का जो हालत है वो कैसा हो गया है। और ये देख रहे हैं कितना कचरा निकल रहा है। तो इसी के चलते जो है ये बॉडी में करंट आ रहा है, इसके अंदर पानी भी गया है और कचरा भी भर गया है। और रनिंग स्टार्टिंग के जो बीच का जो पेपर है वो पेपर थोड़ा सा अंदर की तरफ झड़ गया है, यानी कि इसको हमें क्या करना है कि इसमें पेपर भी डालना है, ठीक है। तो इसमें हम पेपर डाल करके और इसकी सिलाई कर देंगे और इसे धूप में अगर सुखा देंगे तो इसकी बीमारी सारी जो है वो दूर हो जाएगी। तो यही काम हमें इसमें करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम मोटर की कटिंग कर रहे हैं और मोटर का जो हम धागा जो काट रहे हैं तो बहुत हिसाब से काटना है। तो इसे आप देख करके और कोई कॉइल का वायर ना कटे, और देखिए पेचकस की सहायता से स्टार्टिंग वायर को, कॉइल को थोड़ा सा आगे की तरफ ठेलेंगे, आगे की तरफ दबाएंगे और धागा को कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये पेपर देख सकते हैं, ये पेपर ख़राब हो गया है। और इसी के चलते जो रनिंग और स्टार्टिंग का जो कॉइल है ये आपस में कहीं वायर ये टच कर रहा था। तो एक भी वायर अगर रनिंग से स्टार्टिंग का टच करेगा तो मोटर गर्म होगी। और दूसरा गर्म होने का इसका कारण था कि इसके अंदर पानी भी गया है, तो वैसे भी मोटर गर्म होना है। तो मोटर गर्म भी होगा और बॉडी अर्थ भी होगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें पेपर डाल करके इसका रनिंग स्टार्टिंग वाला जो कॉइल शॉर्ट कर रहा है तो इसको पहले दूर कर देते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हम पेपर डाल चुके हैं और इसको सेट करके कॉइल को लकड़ी की सहायता से इसको ठोक करके इसको सेट कर लिए। और सेट करने के बाद में हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से इसकी सिलाई भी करनी है। और सिलाई करने के बाद में अब हम इसे क्या करेंगे कि साफ़ करेंगे, और साफ़ करने के बाद हम इसे धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें जो काम है हमारा, मेन काम हमारा यही था इस मोटर में। तो इसकी सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने के बाद में इसे कॉइल को, इस कॉइल को अच्छे से हम सेट कर लेंगे फिर से दोबारा। और सेट करने के बाद में इसमें बार्निश भी करना पड़ेगा क्योंकि पानी गया हुआ है। तो पानी गया है तो बार्निश कमज़ोर हो जाता है, बार्निश छोड़ भी देता है कभी कभी। तो इसमें बार्निश भी हम करेंगे। तो पहले इसकी सिलाई कर लें तो फिर हम इसका बार्निश भी करेंगे। तो इसी तरह से देखिए सिलाई करना है। और ये देखिए नया वाइंडिंग नहीं है, तो इसलिए सिलाई के समय भी ध्यान रखना है। जहाँ पे हमारा सही से अगर सिलाई की सुई जाती है बस हमें वहीं पे इसे डालना है, दूसरी जगह ज़बरदस्ती इसके अंदर नहीं डालना है, नहीं तो वायर हमारा टूट जाएगा, ठीक है। तो रिपेयर के समय में यही सब चीज़ ध्यान देना होता है, जहाँ पर आसानी से जा रहा है सुई बस वहीं पर धागे को डालना है। ज़बरदस्ती की मान लीजिए यहाँ पे हमें बांधना ज़रूरी है, वहाँ पे धागा जा ही नहीं रहा है, तो ये नहीं कि अब
पेचकस या किसी चीज़ की सहायता से हम उसको फैला करके डाल देंगे, तो ऐसा नहीं, ऐसा करने से वायर कट सकता है। तो यही चीज़ रिपेयर के टाइम में हमें ध्यान देना होता है। तो देख लीजिए, इस तरह से सिलाई कर लेनी है और लास्ट में धागे को कहीं फंसा देना है, ठीक है, ताकि ये धागा खुले ना। और इसके बाद में हम इसमें वार्निश कर लेंगे, बाद में हम इसे वार्निश कर लेंगे, ठीक है। तो हम आपको सिर्फ दिखा देते हैं कि यही काम था इसके अंदर, और इतना ही काम इसके अंदर करना है। तो ये जो काम है इसका, ये काम इसका हो गया है। और देख लेते हैं, अगर ये टाई से अगर लग जाता है, पहुंच जाती है तो बांध देंगे यहाँ पे, नहीं तो बाद में इसे हम धागा से बांध के किनारे कर देंगे, वो हो जाएगा। तो चलिए, टाई हमारी नहीं पहुंची तो कोई बात नहीं, हम इसे धागा से बांध लेंगे। तो चलिए धागा से इसको बांध देते हैं, टाई पहुंची नहीं तो टाई हमारी छोटी पड़ गई। तो इस तरह से इसे हम बांध के अलग से कर लेंगे इसको, और इसे अच्छे से बांध लेंगे धागे को। तो दोस्तों, इसमें यही काम होना है। और इसके बाद में इसे हमें धूप में सुखा देना है बारिश करके। तो ये हमारा वर्क हो गया। और फिटिंग कर लिए, इसे फिट करके हम पार्ट 3 में दिखाएंगे आपको कैसे इसको फिटिंग करना है, और चालू करके भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए अगला पार्ट आने का। तो अगला पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा, हमारा पार्ट 3। तो इसको हम फिट करके और चालू करके, इसका कनेक्शन वगैरह सारा करके हम उसी पार्ट में दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।